कोई बिजनेस बढ़ाने में टीम का बहुत महत्व होता है। आपके पास में टीम कौन सी है, लोग कौन से हैं? ऐसा बोला जाता है कि टीम जो है वो कमिटेड होना चाहिए और कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट है मतलब उनमें वो क्षमता है कि वो काम कर सके, उनके पास में नॉलेज है, स्किल है और वो काम कर सकेंगे ऐसा है। और कमिटेड भी है मतलब वचनबद्ध भी है काम करने के लिए। और वचनबद्ध कब रहेंगे कि जब उनको कुछ पर्पज है, कोई उद्देश्य है और वो उद्देश्य से काम कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है लोगों को पैसा फेंको तमाशा देखो, ऐसा नहीं रहता है। पैसे के लिए सभी काम नहीं करते हैं। टीम में पैसा बहुत बाद में आता है कि पैसा आपको कितना मिलता है। कहीं जगह हमने देखा हुआ है कि पैसा मिलने के बावजूद भी लोग काम करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं यहां रहूं तो मुझे और कुछ ज्यादा मिलेगा जो पैसे से मिलता नहीं है। उसको मालूम है कि मार्केट में उसको ज्यादा तनख्वाह मिलेंगी तभी भी वो छोड़ के जाएगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे जो पैसे से नहीं मिलता वो यहां मिल रहा है। तो ऐसा क्या होगा कि हम हमारी टीम को बहुत अच्छा बड़ा करेंगे और टीम फोकस गोल्स हमारे क्या रहेंगे। यदि टीम मस्त है तो अपना धंधा बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखिए, नंबर एक, टीम स्पिरिट आपका कैसा है, मतलब एकपन की भावना कि एक है भाई हम, टीम की एकपन की भावना, वननेस, और एक कल्चर, संस्कृति टीम की कैसी है, नंबर एक। नंबर दो, आपके टीम में मैनेजर्स या लीडर्स आप तैयार कर रहे कि नहीं कर रहे, मतलब उनको प्रमोशन मिलने का चांस है, उनको आगे बढ़ने का चांस है, उनको दिखता है कि मैं यहां रहूं तो मुझे आगे मैनेजरशिप, लीडरशिप मिलेगी, मेरे आगे के गोल्स फुलफिल हो जाएंगे, मुझे तनख्वाह मिलेंगी, मुझे प्रमोशन मिलेगा, तो वो उसको दिखता है टीम में। नंबर तीन, टीम में हरदम अच्छे लोगों की भर्ती करना जरूरी है, तो लेने के समय ही कैसे लोग लेना वहां अपने एक फिल्टर लगाना जरूरी है कि जब आप लेंगे तभी अच्छे लोग लेंगे, अच्छा फिल्टर होगा, लोग एम्बिशियस है, अग्रेसिवली काम कर सकते हैं, अपनापन उनको है, उनके फ्यूचर में क्या लिखा है उन्होंने, फ्यूचर उनका क्या है, मतलब सब तरह से आप जब लेने के समय बराबर लेते हैं तो बहुत अच्छी टीम काम करती है। फिर चार, वर्क की प्रोफाइल जो है, वर्क प्रोफाइल मतलब काम की रूपरेखा, वो उनके उनके लिए क्लियर है क्या? जब आदमी आता है तो उनको क्लियर है क्या कि उसको काम कौन सा करना पड़ेगा? क्लियरली उनको मालूम है कि कौन सा काम है और वो उसमें माहिर है क्या? और नहीं तो फिर उसको सीखने के लिए आपको मौका देना पड़ेगा कि भाई वर्क प्रोफाइल आपका जो सीखना पड़ेगा। नंबर पांच, आप उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, मान सम्मान देते हैं, बख्शीश देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं मैं यहाँ काम करूंगा तो मेरी काम की कीमत हो जाती है, तो वो मान सम्मान, बख्शीश, रिवार्ड्स, एक्नॉलेजमेंट, वो वहां है क्या? फिर नंबर छह, ट्रांसपेरेंसी है क्या, पारदर्शकता है क्या? क्या होता है कि मैं एक व्यक्ति को अंदर बुलाता हूँ, उसके साथ में खुश खुश करते रहता हूँ, तो बाकी लोग जो रहते हैं उनको लगता है कि भाई ये आदमी हमारा अंदर जाके क्या कर रहा है, बॉस के साथ में मेरे बारे में क्या बोल रहा है, बॉस इसके साथ में क्या पूछ रहा है, मतलब ट्रस्ट का वातावरण नहीं रहता फिर वो टीम में, है ना? कुछ तो भी गड़बड़ है, बॉस फलाने फलाने आदमी को लेकर बैठ गए, आधा एक घंटा बैठ गए थे, ट्रांसपेरेंसी नहीं, फिर उसमें प्रॉब्लम होता है। तो ट्रांसपेरेंसी कितनी है? फिर कौन सी सुविधा है, कंफर्ट आप उनको देते हैं, उनको बैठने की जगह कैसी है, अलग से केबिन है क्या, उनको घर अच्छा मतलब रहना चाहिए उन्होंने करके, उनको फ्लैट के लिए कोई लोन बिन दिया है क्या आपके कंपनी में, या रहने की व्यवस्था की हुई है क्या, या गाड़ी दी है क्या, कार दिया है क्या, कार को शोफर है क्या, बैठने में एसी रूम है क्या, फिर एक चपरासी बाहर खड़ा है क्या, आपको बेल दबाते ही आ जाएगा अंदर, मतलब कौन सी सुविधा है कंपनी दी हुई है, सुविधा के लिए लोग काम करते हैं, आपको पोजीशन कौन सी दी हुई है, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, मतलब इस तरह की। फिर नंबर आठ, लोगों को हम रोक सकते हैं क्या, रिटेंशन हमारा होता है कि नहीं, कि काफी लोग छोड़ के जा रहे, तो हमारा टीम को रिटेन करने का क्या प्लान है? तो वो हमारे पास में प्लान होने को होना कि भाई ये लोग रुकेंगे इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। देखो हरदम उसको ऐसा है कि यहां से मेरे को ज्यादा तनख्वाह मिलेगी नहीं, यहां से मान सम्मान मिलेगा नहीं, ऑलरेडी मेरे को ये कंपनी ने बहुत ज्यादा दिया हुआ है, मैं जब जाऊंगा तो मुझे इनको वापस करना पड़ेगा, प्यार भी बहुत देते हैं, तो ये सब रोकने वाली चीज है। तो वो है क्या ये कंपनी में, क्या आप उनको रिटेन कर सकेंगे लोगों को, वो आपके पास में क्या है। तो नंबर नौ, वातावरण, एनवायरमेंट कैसा है भाई, जब काम कर रहे हो तो आप 8 घंटे कंपनी में बैठते हो तो वहां का वातावरण कैसा है, एसी है क्या, गर्मी बहुत हो रही है, कौन से इलाके में आपकी कंपनी है या ऑफिस है, वहां कैसे आना पड़ता है,
आने की बराबर है कि नहीं व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था है कि नहीं है, कोई आता है समझो मैं वो कंपनी में काम कर रहा हूँ मुझे मिलने के लिए कोई आता है तो मुझे अच्छा लगना चाहिए, वो कंपनी में बुलाता हूँ मेरे को मिलने के लिए आ जाओ, मुझे अच्छा लगना चाहिए ना, तो वातावरण किस प्रकार का है वो बहुत है अच्छा जरूरी है। और नंबर 10 है डिसिप्लिन है क्या कंपनी में, अनुशासन प्रियता है क्या कि नहीं है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी प्रोसीजर्स वो बराबर लिखी हुई है क्या और वो हिसाब से लोग काम करते हैं क्या, अनुशासन नहीं है डिसिप्लिन नहीं है तो लोग काम नहीं करेंगे और आपकी टीम खड़ी नहीं होगी। तो ये बहुत जरूरी है 10 पॉइंट, मैं फिर से बताता हूँ, नंबर 1 टीम स्पिरिट कैसा है, नंबर 2 मैनेजरियल या लीडरशिप तैयार हो रही कि नहीं हो रही, नंबर 3 अच्छे लोगों की भर्ती हो रही कि नहीं हो रही, नंबर 4 वर्क प्रोफाइल लोगों को मालूम है क्या, नंबर 5 मान सम्मान रिकॉग्निशन रिवार्ड्स कंपनी में मिलते हैं क्या, नंबर 6 पारदर्शकता है क्या, ट्रांसपेरेंसी है क्या, नंबर 7 सुविधाएं कैसी मिलती है लोगों को वहां, कहना कंफर्ट कैसा उपलब्ध है, नंबर 8 रिटेंशन क्या आपके प्लान है, रिटेंशन रिटेन करने में क्या प्लान है, नंबर 9 वातावरण कैसा है, और नंबर 10 डिसिप्लिन है कि नहीं है। तो ये टारगेट्स यदि हम रखते हैं टीम के डेवलपमेंट के लिए और उनके लिए यह सब किया जाता है तो बहुत बेहतरीन। सबसे ज्यादा महत्व का यह है कि उनका पर्पस क्लियर है कि नहीं है, उनको ये मालूम है क्या कि वो यहाँ क्यों आ रहे हैं, उनको अपनापन लगता कि नहीं लगता कि मैं मेरे लिए आता हूँ और इसमें सभी का भला होगा, लोगों का भला होगा, पीपल एट लार्ज भला होगा, पैसा मिलेगा, पैसा साइड प्रोडक्ट है, मैं पैसे के लिए कंपनी में आता ही नहीं हूँ ऐसा उसको लगना चाहिए। तो फिर वो हिसाब से कंपनी का मालिक भी वैसे रहना चाहिए कि भाई मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो और बड़े पर्पस के लिए काम कर रहा हूँ, बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहा हूँ, और जब बड़े उद्देश्य के लिए सभी लोग काम करते हैं कंपनी एकदम जूम ऊपर चले जाती है। आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच।